केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दावा किया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद के इसी दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुलाम नबी आजाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वे अवांछनीय व्यवसायी से मिलते थे। राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं? रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गुलाम नबी आजाद जो सालों मंत्री रहे, पार्टी के महासचिव समेत कई उच्च पदों पर रहे, उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी कई अनडियरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने पर विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये बिजनेसमैन कौन है, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है, ये देश जरूर जानना चाहेगा। रविशंकर ने कहा कि जब भी राहुल विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला भारत पीएम मोदी के ऊपर और तेज हो जाता है। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा था कि 5 पूर्व कांग्रेस नेता अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के औजार बन गए हैं। राहुल ने इन 5 लोगों में गुलाम नबी आजाद को भी शामिल किया। इसके बाद गुलाम नबी आजाद से राहुल के दावे पर एक इंटरव्यू में उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो आजाद ने कहा कि मेरे मन में इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी के लिए काफी इज्जत है, इसीलिए मैं उनके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, वरना मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें राहुल गांधी विदेश जाकर अवांछित उद्योगपतियों से मिलते हैं।